गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो के दौरान भी स्वदेशी कंपनी ऐसे हथियारों को लेकर आई हैं जो भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। हम आपको कल्याणी ग्रुप के इस गरुड़ा गन सिस्टम को दिखा रहे हैं जिसके ट्रायल लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर हुए हैं। एक खास तरह के गन सिस्टम है जो एक खास गाड़ी पर लगाया गया है और 17,000 से लेकर 18,000 फीट पर ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करके तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकता है इस गाड़ी के माध्यम से। जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर काम हो रहा है जो लखनऊ में आने वाले दिनों में बनकर तैयार होगी, ऐसी दो से तीन मिसाइल सुखोई लड़ाकू विमान पर लग सकेंगी और आने वाले दिनों में LCA और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पर भी ये ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होगी। इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेनाओं में शामिल हो चुकी है और इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल पहली मिसाइल होगी जो विदेशों को भी एक्सपोर्ट की जाएगी। ये जो नई पीढ़ी जो हम बोल रहे हैं उधर है छोटा वाला, दिस इज हाफ द वेट ऑफ द करंट ब्रह्मोस एंड इट हैज द सेम रेंज एज ब्रह्मोस। सो व्हाट वी वुड बी हैविंग इज वी वुड बी एबल टू कैरी मोर नंबर ऑफ मिसाइल्स ऑन वन एयरक्राफ्ट। अभी तो एक ही मिसाइल है Su-30 के ऊपर, बाद में हमारा तीन होंगे एक Su-30 के ऊपर एंड हम LCA MiG-29 और कोई भी एयरक्राफ्ट के ऊपर डाल सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा इस गन सिस्टम के बारे में, क्या ये किस तरह का गन सिस्टम है, कैसे काम करेगा? तो ये है 105 गन, उसको अदरवाइज भी फील्ड गन कहते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उसमें आपको शूट एंड स्कूट यानी आप गोला दाग के निकल जाइए वहाँ से, नहीं तो आपके पास उल्टा फायर आएगा। तो उसके लिए ये बंदूक बनी है जिस पे ये जो व्हीकल है ये 18,000 फीट पे ट्राई हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका बड़ा ट्रायल लिया है और अभी प्रोसेस चालू है जब ऑर्डर आएगा, लेकिन ये बेस्ट चीज़ है जहाँ पे आप इसको डायरेक्ट फायर रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं आप जैसे चाहो। और ये खासियत इसकी ये है कि इसका जो पावर टू वेट रेशो है, जो इंजन है इसका, बड़ा पावरफुल है और उसके चलते आप एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं जो आज हमारी ज़रूरत है भारत देश की। जी अभी तक अगर हम देखें तो और कौन से ऐसे हथियार हैं जो आप सेना के लिए देश में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है वो स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी। एक ऑलरेडी हमने 30 mm एम्युनिशन को कम्प्लीट कर दिया जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और एक्सपोर्ट की भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो 30 mm नेवी को ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है, आर्मी का अभी उनका टेंडर प्रोसेस RFP का प्रोसेस चालू है, वो ट्रायल साइज दिसंबर में उन्होंने एक्सटेंड किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें करने में कोई जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसका भी ये इंडक्शन शुरू हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।